नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है कोमल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का केक। सूजी का केक बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए हम बताते हैं। ये मैंने दही लिया है, चीनी लिया है, सूजी, दूध, घी 4 चम्मच और ये वनीला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये दही को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ज़्यादा कर मैंने दही लिया है। देखिए मैंने दही अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें ये आधा कटोरी इसमें शुगर का डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छी तरह से हमारा शुगर मिक्स हो गया है। जितना हमने दही लिया उतना हमने शुगर लिया है। अभी इसमें हम 4 चम्मच घी का डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हो। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हमने घी को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी आपको लेनी है बारीक वाली। अगर बारीक वाली सूजी आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी की सहायता से इसका पाउडर बना सकते हो। मेरे पास बारीक वाली सूजी थी, मैंने बारीक वाला सूजी लिया है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा सूजी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे वनीला। इसके हम 4 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इससे हमारा टेस्ट खुशबू अलग, वनीला का टेस्ट का फ्लेवर आ जाएगा। अभी हम वनीला के ड्रॉप को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें दूध डालेंगे। दूध और जितना आपको टेस्ट के हिसाब से डालना है। अभी ये देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसको पूरा पेस्ट को 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हम इसलिए ढक के छोड़ेंगे ताकि हमारा सूजी फूल के तैयार हो जाएगा और सॉफ्ट बनेगा, इसलिए हम 15 मिनट इसका वेट करेंगे। जब तक हमारा पेस्ट 15 मिनट के लिए तैयार होता है तब तक हम इसको ये कढ़ाई इसको तैयार कर लेंगे। इसमें पहले मैंने ये लिया है, इसमें हमने नमक डाल दिया। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अभी हम इसमें स्टैंड रख देंगे। अभी 10 मिनट के लिए हम गैस ढक्कन बंद कर लीजिए, इसको रखेंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे। इसमें अच्छी तरह फैला लेंगे। देखो चारों तरफ से हमने घी लगा लिया। इसको देखिए चारों तरफ से इसे घी से कवर कर लिया है ताकि हमारा ये केक का डाले इसमें चिपके ना, निकालने बड़ी आसानी होगी हमें। इसको हम साइड में करते हैं। अभी हमारा पेस्ट लेके आएंगे। हमारा पेस्ट अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसको हम डाल देंगे इसमें। दो दो डालते हैं थोड़ा सा दो। इसको भी डाल दें। अभी हम आधे से कम चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर का डालेंगे। देखिए
इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम, ताकि हमारा केक एकदम सॉफ्ट हो ना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा केक अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे जिसमें घी लगाया हमने, इसमें पैन लगा देंगे। चम्मच से निकालते हैं, ये देखिए हमारा अच्छे निकाल, हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारा अच्छी तरह स्टैंड पे रख दिया है। अभी इसको 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और गैस कम रखेंगे। 30 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। हमारा टेस्ट बहुत ही टेस्टी बनेगा और बनाने का तरीका बहुत आसान है। चलिए हम देखते हैं, हमारा केक चेक करते हैं। चेक करेंगे, हमारे केक से थोड़ा लग रहा है, उसका मतलब हम 10 मिनट इसको और पकाएंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ढक के। छोड़ दिया है ये देखो, चारों तरफ से जगह छोड़ दिया। अभी देखना उसको फिर नहीं लग रहा, देखो वीडियो इसको बंद कर देंगे। भाग कर लेंगे, देखो हमारा केक अच्छी तरह बन के एकदम तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट है। तो सोचा हम फिर से ऐसी जगह छोड़ गए हैं, देखो अपने आप को जगह छोड़ दिया है। पकने के बाद अभी हम इसको प्लेट में पलटते हैं। ये भी सिलेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर वापस गरम है थोड़ा। देखिए हमारा केक कितने अच्छे से एक तरीके से निकल गए हैं। देखिए इसको पूरा अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया है, इसको ऐसे पलट देंगे। देखो कितना अच्छे तरह से बना हमारा केक, बहुत ही आसान तरीका है सूजी का केक बनाने के लिए। कितना अच्छा हमारा केक बन है। अभी हम इसकी डेकोरेट के लिए मैंने चेरी लिया है, इसे मैंने निकाल दी है और सारे बच्चे तरह कट कर दिया है। आप कुट्टी कुट्टी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे मेरे यही पसंद करते हैं, इसलिए मैं यही डालती हूँ। उनको अच्छी तरह हम डेकोरेट कर देंगे। देखिए हमारे केक कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और बड़ा ही आसान तरीका है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बड़ा ही स्मूथ बना है। बहुत ही अच्छा बना है, कितना स्मूथ बना है हमारा केक। खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।